यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है तुम्हें फ्राइडे और आज फिल्म रिलीज हो रही है सोनू के टीटू की स्वीटी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लव रंजन ने। अगर हम लव रंजन की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें, जैसे कि प्यार का पंचनामा और इसके सीक्वल की बात करें, तो उससे फिल्म में बदलाव जरूर है, लेकिन लव ने जॉनर वही रखा है। अगर प्यार का पंचनामा तीन दोस्तों और उनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड था, तो यह फिल्म उनके दोस्त की शादी पर बेस्ड है। अगर हम इस फिल्म के एक्टिंग की बात करें, तो हमें वही तीन चेहरे देखने को मिलेंगे जो कि हम पहले भी लव रंजन की फिल्मों में देख चुके हैं। कार्तिक आर्यन सोनू के रोल में काफी ज्यादा जच रहे हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लव रंजन की फिल्मों में उनका करेक्टर एक जैसा ही रहा है, यानी स्टीरियोटाइप ही रहा है। अगर इस फिल्म के म्यूजिक पर ध्यान दिया जाए, तो हनी सिंह के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है, क्योंकि हनी सिंह ने इस मूवी से कमबैक किया है एक गाने छोटे छोटे पेग से। और अगर वही दूसरी तरफ एक गाने बम डिगी डिगी बम की बात की जाए, जिसे गाया है जैस्मिन वालिया और जैक नाइट ने, तो उस गाने को भी इस फिल्म में लिया गया है। अगर इस फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए, तो लव रंजन से व्यूअर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उस पर अफसोस लव रंजन खरे नहीं उतर पाए हैं। स्वीटी के करेक्टर पर सोनू को पहले दिन से ही शक रहता है, लेकिन इसके पीछे की वजह एक भी बार फिल्म में नहीं बताई गई है। इस फिल्म में आपको हंसने के उतने मौके नहीं मिलेंगे जितनी आपको पहले लव रंजन की फिल्मों में देखने के लिए मिले हैं। इस फिल्म के बारे में इतना ही कहना सिर्फ ठीक होगा कि इस फिल्म के मोमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से तो मैं इस मूवी को 3 स्टार्स देना चाहूंगी।